अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मगफिरतुह। वेलकम टू एसडी एमएस बॉयज़ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट इंग्लिश 2। टुडे वी स्टार्ट लेसन नंबर 11 द सिंपल प्रेजेंट एंड द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस। सो द सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे बोलेंगे? जो डे टू डे बेसिस के अंदर जो हम काम करते हैं उसको मेंशन करने के लिए, या यूजुअली हमारी जो आदतें होती है उसको मेंशन करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। वी यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट हैबिट्स, हैबिट्स को बताने के लिए। फॉर एग्जांपल, शरबजीत स्विम्स एवरी सैटरडे। शरबजीत जो है वो एवरी सैटरडे स्विम्स करता है, यानी तैरता है। वी यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट थिंग्स वी डू रेगुलरली। जो चीज़ें हम रेगुलरली करते हैं उसे मेंशन करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, आई गेट अप एट 7:30 एवरी मॉर्निंग। हमारा जो शेड्यूल है उसको मेंशन करने के लिए। वी यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट फैक्ट्स एंड परमानेंट सिचुएशंस। जो परमानेंट सिचुएशंस है, जो वर्ल्ड वाइड फैक्ट्स है, उसको बताने के लिए, उसको मेंशन करने के लिए वी यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जांपल, माय आंट्स रन्स हर ओन बिजनेस, शी लिव्स इन लखनऊ। बराबर, जो फैक्ट्स है, जो सच्चाई है, उसको बताने के लिए। वी यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट थिंग्स वी लाइक और डू नॉट लाइक। जो चीज़ें हमें पसंद हैं, जो चीज़ें हमें नहीं पसंद, उसको मेंशन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आई लाइक मैंगोज, आई लाइक चॉकलेट, आई लाइक केक्स, और आई डोंट लाइक वेजिटेबल्स। बराबर, और प्रिया डजंट लाइक राइप गुआवाज, राइप यानी के पका हुआ। वी यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू। जो चीज़ें हमेशा सही है, जो फैक्ट है, जो प्रिंसिपल्स है, बराबर, उसको बताने के लिए हम यूज़ करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड द सेट्स इन द वेस्ट। फैक्ट्स है, वर्ल्ड वाइड फैक्ट है कि भाई सन ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर कब बॉयल्स होता है? जब 100 डिग्रीज हो जाती है सेंटीग्रेड, जब वो बॉयल्स होना शुरू हो जाता है। वी ऑल्सो यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट टाइम टेबल्ड इवेंट्स दैट विल हैपन एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। जो चीज़ें पर्टिकुलर फ्यूचर में होने ही वाली है टाइम टेबल के हिसाब से, उसको मेंशन करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, द बस लीव्स एट 4:30 PM। बराबर, हमेशा बस कब छूटती है? 4:30 PM को। ग्रैंडफादर लीव्स फॉर देहरादून नेक्स्ट सैटरडे। ग्रैंडफादर जो है वो नेक्स्ट सैटरडे को देहरादून जाने वाले हैं। ओके, सो हमारी हैबिट्स है, व्हेन वी मेंशन द सिंपल प्रेजेंट टेंस एट द टाइम अबाउट टॉकिंग अबाउट हैबिट्स, टॉकिंग अबाउट रेगुलरिटी, टॉकिंग अबाउट परमानेंट सिचुएशंस, फैक्ट्स, और आवर लाइक, व्हाट वी लाइक और व्हाट वी डजंट लाइक, और अबाउट पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर इवेंट्स, टाइम टेबल इवेंट्स। ओके ओके, फॉर्म्स देख लेंगे अब। To form the simple present tense, we add s or es to the base verb of for singular nouns and pronouns he, she and it. जब singular noun और pronoun होगा, singular noun या कोई person का name होगा या pronoun he, she, it होगा, तो जब verbs के बाद verb जो है main verb उसके अंदर हम s के es add करेंगे। For example, Simran paints well. So here Simran is subject, जो क्या है, नाउन है, तो वहाँ पर पेंट के बाद हमने पेंट्स कर दिया। ओके, रवि फॉर एग्जांपल क्या है, रवि सब्जेक्ट है तो गोज, क्योंकि रवि नाउन है। सिंगुलर जब भी होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जब सब्जेक्ट सिंगल हो, ही शी इट हो, कोई भी नाम मेंशन, नेम मेंशन किया हुआ हो, तो जब हम जो भी वर्ब है वो वर्ब में एस के ईएस ऐड करेंगे। ओके, और जब फॉर प्लूरल नाउन और प्रोनाउन यू वी दे और आई, वी यूज़ द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। और जब प्लूरल नाउन होगा या प्रोनाउन होंगे वी यू दे और आई, याद रखना यू वी दे आई ऐसे प्रोनाउन होंगे, तो जब हम बेस फॉर्म ही रखेंगे। फॉर एग्जांपल, वी लाइक कार्टून्स, तो लाइक एज अ लाइक ही हमने रख दिया, उसके अंदर एस के ईएस ऐड नहीं किया है। वी गो बाय बस। ओके, दे वॉक टू स्कूल,
ओके, तो मेन जो बेस फॉर्म है वही यूज़ होने वाला है. ओके, फॉर द नेगेटिव फॉर्म वी यूज़ द डू नॉट एंड डोंट और डज नॉट और डजंट बिफोर द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. सिंगुलर जब वर्ब सब्जेक्ट होगा तो हम डजंट यूज़ करेंगे, और प्लूरल होगा तो डोंट यूज़ करेंगे. बराबर, जैसा कि जो वर्ब फॉर्म हमने वर्ब फॉर्म में एस के ई एस यूज़ किया है, तो वो वाला जब होगा तो उसको नेगेटिव रखते वक्त हम डजंट यूज़ करेंगे, और जब प्लूरल वाला होगा या यू वी दे आई होगा तो हम डोंट यूज़ करेंगे. बट एक चीज़ हमेशा हमें याद रखनी है कि जब नेगेटिव सेंटेंसेस या तो फिर क्वेश्चन सेंटेंस होंगे तो एवरी टाइम वी यूज़ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, हम बेस फॉर्म ही यूज़ करेंगे वर्ब का. ओके, जैसा कि रीता डजंट लाइक मीट, रीता सिंगुलर है सो हमने यहाँ पर डजंट मेंशन किया है. आई डोंट प्ले हॉकी, आई वी दे यू होगा तो डोंट यूज़ करेंगे, सिंगुलर पर्सन होगा और ही शी इट होगा तो हम डजंट यूज़ करेंगे नेगेटिव में. इसी तरह क्वेश्चन में भी है, डू या डज सब्जेक्ट और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. डू कब यूज़ करेंगे, यू वी दे आई होगा तब, या प्लूरल नाउन होगा तब हम डू यूज़ करेंगे. और डज कब यूज़ करेंगे, जब ही शी इट और सिंगुलर नाउन होगा जब हम डज यूज़ करेंगे. जैसा कि डू यू स्विम, और क्वेश्चन सेंटेंस में भी यही फॉलो करना है कि बेस फॉर्म ही रखेंगे, उसमें कोई भी एस के ई एस वर्ब के अंदर ऐड नहीं होगा. डू यू स्विम, डज ही राइड अ साइकिल. ओके, देखिए यहाँ पर यू है तो हमने डू यूज़ करा, सेकेंड सेंटेंस में ही है तो हमने डज यूज़ करा. सो नेगेटिव फॉर्म में और क्वेश्चन फॉर्म में याद रखना है हमें कि सिंगल होगा तो सिंगुलर होगा, ही शी हिट होगा तो हम डजंट नेगेटिव में रखेंगे और बेस फॉर्म रखेंगे, और प्लूरल होगा या आई वी दे यू होगा तो डोंट रखेंगे और बेस फॉर्म रखेंगे. सब्जेक्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, यू वी दे आई होगा तो डू और सिंगल बेस फॉर्म रखेंगे वर्ब का, और जब सिंगुलर होगा ही शी इट होगा तो डस और वर्ब फॉर्म जो होगा वो बेस वर्ब फॉर्म हम रखेंगे. ओके, क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड यूजिंग अ डब्ल्यू एच क्वेश्चन, वर्ड प्लस डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. जब डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन होंगे तब भी हम सेम फॉलो करना है. जैसा कि वेयर डू यू लिव, यू है तो हमने डू यूज़ करा है यहाँ पर, और लिव का बेस फॉर्म रख दिया है. वॉट डज़ ही वॉन्ट टू डू, ही है तो डज यूज़ करा, क्योंकि हमको पता है कि ही शीट होगा तो हम डज ही यूज़ करेंगे. ओके, चलो अब ये एक्सरसाइज दी गई है, ये एक्सरसाइज करनी है आपको समझ के. ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर वी यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट थिंग्स हैपनिंग एट द टाइम ऑफ द स्पीकिंग. जब हम बोल रहे हैं वही टाइम पे जो भी एक्शन हो रही है उसको मेंशन करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रखेंगे. द एक्शन कंटिन्यूअस टू हैपन एज वी स्पीक, जब एक्शन हो रही है और हमें बताना भी है, मेंशन भी करना है, तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रखेंगे. जैसा कि आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक, आई के साथ एम यूज़ करेंगे, ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा तो इज यूज़ करेंगे प्लस आईएनजी वर्ब फॉर्म, और वी यू दे या प्लूरल नाउन होगा तो आर प्लस आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल, आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक, द बेबी इज स्लीपिंग, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, माय सिस्टर इज वॉचिंग अ फिल्म. सो याद रखना है, आई के आई होगा तो एम प्लस आई एन जी वर्ब फॉर्म, ही शी इट या सिंगुलर होगा तो इज प्लस आई एन जी वर्ब फॉर्म, और वी यू दे होगा तो आर प्लस आई एन जी वर्ब फॉर्म रखेंगे. ओके, नेगेटिव होगा तो वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट. ओके, द बेबी इज नॉट स्लीपिंग. क्वेश्चन होगा तो वेयर आर वी गोइंग, जो डब्ल्यू एच वर्ड होगा वो पहले आएगा, फिर आर
इज या एम ए से जो होगा वो, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आई एन जी फॉर्म, वर्ब फॉर्म. व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू हाइडिंग. ओके, और हमें यस या नो वाले क्वेश्चन जो होते हैं जो हमें हेल्पिंग वर्ब से बनाने हैं, जैसा कि आर यू फीलिंग बेटर. अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम वर्ब डिसाइड करेंगे. यू है तो आर, आर यू फीलिंग बेटर, इज़ ग्रैंडपा स्लीपिंग, तो इसका आंसर या यस या नो में से देंगे. तो जब हेल्पिंग वर्ब से हम क्वेश्चन बनाते हैं तो उसका आंसर हमें यस या नो में ही देना होता है. ओके, वी ऑल्सो यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस टू टॉक अबाउट समथिंग वी हैव प्लान फॉर द फ्यूचर. फ्यूचर के लिए कोई प्लान करा है तो उसको बताने के लिए भी हम ये यूज़ करेंगे. जैसा कि वी आर फ्लाइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक दिल्ली हम फ्लाई करने वाले हैं. सो ये प्लान है पहले से, तो हम इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं और फ्यूचर टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, और ये PDF में भेजने वाली हूँ, आप इसको कॉपी कर लेना अच्छे से समझ के. ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़.